हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड मेथड्स एंड यूजेस। तो म्यूटेशन क्या है? मतलब उत्परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है किसी भी जीन में या पेड़ पौधों में। तो हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं और म्यूटेशन होता क्या है और उसके क्या क्या यूजेज हैं और इसके क्या क्या एजेंट्स हैं, टाइप्स क्या हैं इसके, और इसको हम कैसे प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं। चलो आइए फिर शुरू करते हैं। म्यूटेशन, तो ये हाइलाइट्स, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको आना चाहिए कोई भी टॉपिक हो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्या होता है ये, कि म्यूटेशन क्या है। सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीन्स आर जीनोम्स और एनी ऑर्गेनिज्म और एनी प्लांट्स इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, आर परमानेंट चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए इस कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया यार, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, द म्यूटेशन अकर इन नेचर। मतलब कि जो म्यूटेशन नेचुरली होता है, जिसमें हम कोई भी खुद से कोई भी एजेंट है कोई भी हम यूज नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल म्यूटेशन। और दूसरा होता है एक और दो तरीके के होते हैं। तो दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिनको हम इंड्यूस कराते हैं, जिसमें मानव द्वारा उससे कुछ हस्तक्षेप करके उसको परिवर्तित कराया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड अचीवमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड में आता है कि इंट्रोडक्शन, कि म्यूटेशन है क्या ये। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। द सडन हेरिटेबल चेंज इन द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर परमानेंट चेंज इन नंबर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या प्लांट्स होता है, जिसमें सडन मतलब अचानक कोई भी उत्परिवर्तन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है, ये चेंज किसमें हो सकता है, परमानेंट चेंज इन नंबर काइंड एंड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द जेनेटिक मटेरियल। जो भी न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही तो होते हैं, तो उनमें जो भी परमानेंट चेंजेज होते हैं और उनका काइंड जो होता है या उनके सीक्वेंस में चेंज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स में हो गया। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें जो चेंज होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और ह्यूगो डेवरीज इन 1900 फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म म्यूटेशन। और तो जो ह्यूगो डेवरीज थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम म्यूटेशन शब्द जो है यूज किया था, कब, 1900 में। और अल्बर्टो प्रिवो 1922 वाज द फर्स्ट टू यूज एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेज फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन। तो जो अल्बर्टो थे, उन्होंने 1922 में सबसे पहले एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ किया था, किसको, इंड्यूस कराने में, किसको, म्यूटेशन को, यानी कि उत्परिवर्तन कराने के लिए। जो अल्बर्टो थे, उन्होंने 1922 में सबसे पहली बार एक्सरे और रेज को यूज किया था म्यूटेशन कराने के लिए। मतलब इंड्यूस्ड माने किसी को उसमें परिवर्तन कराया, इंड्यूस कराया था म्यूटेशन। वर्क रिमेन अननोन, और इनका जो वर्क था वो क्या था, अननोन था, इन्होंने ऐसे ही करा, कोई नोन वर्क नहीं था इनका। फिर म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय मुलर। दो एक्सरेज था जो, वो डिस्कवर किसने किया था, मुलर इन 1917 ऑन ड्रोसोफिला एंड ऑफ गामा रेज एंड एक्सरेज इन 1928 बाय स्टैडलर इन वार्ले। तो जो म्यूटाजेनिक एक्शन जो था, म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरेज, तो जो म्यूटाजेनिक एक्शंस जो होते हैं एक्सरेज का, तो वो मुलर ने सबसे पहले करवाया था 1927 में, किसमें, ड्रोसोफिला में। और उसके बाद जो गामा रेज और एक्सरेज थे, गामा रेज और एक्सरेज इन 1928 वाई स्टैडलर इन वार्ले। तो हमारा मेन क्या है, ये वार्ले, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ना है ब्रीडिंग। तो
एक्सरेज और गामा रेज का इन्होंने इफेक्ट किसने देता था? स्टैडलर ने इन 1928 में। और ये क्या है, साइंटिफिक नेम किसका? वार्ले का, हॉर्डियम वल्गेर। एंड इन मेज, और उसके बाद जो मेज में कराया था वो मुलर वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1946। जो मुलर थे उन्हें अवार्डेड किया गया किससे? नोबेल प्राइज से, इन 1946 में, फॉर हिज वर्क। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके बारे में अब आइए जानते हैं। जैसे म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव्स, जो भी म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। रिसेसिव होता है, एक वर्ड होता है रिसेसिव और नेक्स्ट एक वर्ड होता है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या होता है? प्रभावी, और रिसेसिव क्या होता है? अप्रभावी। तो म्यूटेशंस जो भी होते हैं तो जो भी जितने भी म्यूटेशंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। और नेक्स्ट, फिर हमारा नेक्स्ट आता है म्यूटेशन आर जनरली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशंस वो क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं? हार्मफुल ही होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या प्लांट्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल ही होते हैं। और म्यूटेशंस आर रैंडम, जो भी म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? रैंडमली होते हैं, ना कि आप जैसे ये कोई पॉपुलेशन है, मान लेते हैं ये प्लांट्स हैं किसी भी क्रॉप्स के, और इन प्लांट्स में म्यूटेशन हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार इन्हीं प्लांट्स में हुआ है। तो म्यूटेशन क्या होता है, जो ये हमारा थर्ड पॉइंट कि म्यूटेशन आर रैंडमली, तो म्यूटेशन क्या है? इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो ये क्या होते हैं? रैंडमली हुआ है म्यूटेशन, ना कि एक साथ हुआ है। तो म्यूटेशंस क्या होते हैं? म्यूटेशन का एक करेक्टर ये भी होता है कि वो रैंडमली होते हैं, म्यूटेशंस आर रैंडमली। एंड म्यूटेशन अकर इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो म्यूटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे रिवर्स में भी मतलब उल्टा, और फॉरवर्ड मतलब सीधा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूज म्यूटेशन इज मार्केटली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो जो इंड्यूज म्यूटेशन होते हैं वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है किससे? जो इन्वायरमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो अफेक्टेड हो जाते हैं। हमने कोई भी म्यूटेशन कराया और उसके बाद जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसमें क्या हो जाता है कि वो अफेक्टेड हो जाते हैं किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के द्वारा। तो इन पर जो म्यूटेशंस होते हैं उनमें उनका एक कैरेक्टर ये भी होता है कि वो इफेक्टेड हो सकते हैं किससे? इन्वायरमेंट द्वारा इफेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, तो म्यूटेशन जनरली दो टाइप के होते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये क्या होता है? नेचुरल। तो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अकर इन नेचर। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वो कि वो नेचुरली पाया जाता है, वो किसी भी क्रॉस में अपने आप खुद ब खुद होता है, वो नेचर द्वारा होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10^-6, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है। कहीं मान लो ये 10^-6 है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है। और नेक्स्ट आता है हमारे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन दो तरीके के होते हैं, जैसे मैक्रो और माइक्रो म्यूटेशंस। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन ऑन सर्वाइवल, कि जो म्यूटेशंस किसी में हुआ है या हमने इंड्यूस कराया तो उसका इफेक्ट क्या होता है? जो सर्वाइवल होते हैं, मतलब कि सर्वाइव क्या क्या मतलब कितने पे सर्वाइव करते हैं। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑन सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इंड्यूस म्यूटेशंस आर ऑफ 4 टाइप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्वाइवल्स,
मतलब सर्वाइव करने और इसके इफेक्ट के आधार पर म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं, मेनली फोर टाइप्स। नंबर वन लीथल, नेक्स्ट सब लीथल एंड सब वाइटल एंड वाइटल। तो लीथल म्यूटेशन क्या होता है, इसमें हमने कोई भी म्यूटेशन किया या कोई भी इंड्यूस म्यूटेशन कराया तो उसमें क्या होता है, लीथल म्यूटेशन क्या होता है, जो भी क्रॉप्स है या किसी उनमें करवाया तो उसमें क्या है, सारे प्लांट्स क्या होते हैं, वो लीथल या डाई कर जाते हैं, मतलब किल हो जाते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स कैरिंग सच म्यूटेशंस आर किल्ड, मतलब जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी इंडिविजुअल्स होगा वो क्या होगा, किल हो जाएगा लीथल म्यूटेशन में। नेक्स्ट आता है सब लीथल म्यूटेशन, इसमें क्या होगी, मोर्टेलिटी इज़ मोर देन 50%, मतलब इसमें क्या होगा, जो लीथल म्यूटेशन है उसमें सभी डाई कर रहे थे और इसमें या सभी किल हो रहे थे और इसमें 50% से ज़्यादा किल हो जाएंगे। और उसके बाद आता है सब वाइटल, सब वाइटल म्यूटेशन में होती है मोर्टेलिटी इज लेस देन 50%, इसमें क्या होगा कि 50% से कम डाई करेंगे, मतलब 50% से कम किल हो गए। और जो वाइटल म्यूटेशन होता है उसमें ऑल म्यूटेंट्स सर्वाइव, इसमें जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या करेगी, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी सर्वाइव कर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बात की इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन सर्वाइवल, तो ये चार तरीके के हो गए, लीथल, सब लीथल, सब वाइटल और वाइटल म्यूटेशंस। फिर नेक्स्ट आता है म्यूटाजेंस या म्यूटाजेनिक एजेंट्स। जैसे हम बात कर रहे थे इंड्यूज म्यूटेशंस की, तो इंड्यूज म्यूटेशन हमें कैसे करते हैं उसके बारे में, उसमें हमें एजेंट चाहिए होते हैं। तो जो एजेंट्स होते हैं वो क्या, कौन कौन से होते हैं, म्यूटाजन एजेंट, तो ये क्या होते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं। जैसे एजेंट विच आर यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस, जो भी एजेंट्स हम म्यूटेशन को इंड्यूस कराने में प्रयोग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, म्यूटाजेनिक एजेंट कहते हैं। म्यूटेशंस आर डिफरेंट काइंड्स, म्यूटेशन क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जो म्यूटाजेंस होते हैं वो, जैसे रेडिएशन हो गया तो इसमें फिजिकल म्यूटाजेंस आ गए, और सर्टेन केमिकल्स हो गए, कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ रेडिएशंस होते हैं। तो द डिफरेंट म्यूटाजेंस मे बी ग्रुप्ड एज फॉलोज, जैसे फिजिकल, तो नंबर ए फिजिकल म्यूटाजेंस, ऑल ऑफ देम वेरियस काइंड्स ऑफ रेडिएशन। जो फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेडिएशन बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट आया आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, पार्टिकुलेट रेडिएशन, तो इसमें अल्फा रेज, बीटा रेज एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन में पार्टिकुलेट रेडिएशन के अंतर्गत आएंगे अल्फा, बीटा और फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशंस, तो नॉन पार्टिकुलेट में आता है एक्सरेज और गामा रेज। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर इसी फिजिकल म्यूटाजेंस में, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिर आता है केमिकल म्यूटाजेंस, पिछली साइड में हमने बात करी थी फिजिकल म्यूटाजेंस, उसमें कितने भी सभी क्या थे, रेज थे। और यहाँ पर हमारी बात हो रही है किसकी, केमिकल की, जो केमिकल, कुछ केमिकल एजेंट होते हैं जिनके द्वारा भी हम म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं या इंड्यूस करा सकते हैं। जैसे एल्केलाइटिंग एजेंट्स में कौन कौन सा आता है, सल्फर मस्टर्ड, जो इसमें क्या होता है, जो सल्फर मस्टर्ड होती है, और नाइट्रोजन मस्टर्ड होगी, इपोक्साइड हो गया, और इथाइल इमाइंस हो गए, या सल्फेट एंड सल्फोनेट्स हो गए, ये सभी क्या हैं, केमिकल म्यूटाजेंस। नेक्स्ट आता है जैसे पहला हो गया एल्किनेटिंग एजेंट्स, और फिर नेक्स्ट आता है एक्रिडिन डाइज, इससे एग्जांपल हो गए जैसे एक्रीफिलेवन, प्रोफिलेवन, एक्रिडिन ऑरेंज। और नेक्स्ट आता है फिर बेस एनालॉगस एजेंट्स, जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल और 5 क्लोरो यूरेसिल और 2 अमीनो प्योरिन्स। और नेक्स्ट आता है अदर्स में, जैसे नाइट्रस एसिड है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है और सोडियम एजाइड्स। जैसे हम ये कॉमनली यूज फिजिकल म्यूटाजेंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन, जैसे एक्सरेज हो गया तो ये क्या है, पेंट्रेटिंग एंड नॉन पार्टिकुलेट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये इंड्यूज म्यूटेशन बाय फॉर्मिंग फ्री रेडिकल्स एंड आइंस कॉज एडिशन डिलीशन
ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, जो जो एक्सरेज होते हैं तो इनसे म्यूटेशन कैसे होता है, वो फॉर्मिंग बाय रेडिकल्स एंड आयंस कॉजेज एडिशन और डिलीशन। इस जब हम एक्सरे कराते हैं तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की हम बात करें, जब हम पॉलीप्लॉइडी का चैप्टर जब हम करवाएंगे तो आपको उसमें सभी बताएंगे, जैसे एडिशन है डिलीशन है, उसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम्स में क्या होता है चेंजेज होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल होता है और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेज में आते हैं हमारे ये एडिशन डिलीशन ट्रांसिजन एंड ट्रांसवर्जन। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेज जब होता है क्रोमोसोम का, जब हम एक्सरे द्वारा कोई भी म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं तो उसके बाद ये एडिशन या डिलीशन होता है क्रोमोसोम में, जिससे क्या होता है म्यूटेशन हो जाता है, किसके द्वारा एक्सरे द्वारा। ऐसे ही ये गामा रेज है, अल्फा रेज, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ये। फिर इसके बाद आता है नंबर प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, कि प्रोसीजर क्या है कि हम हाउ टू यूज़ द म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाउ टू यूज़ द म्यूटेशन इन द ब्रीडिंग, कैसे हम यूज़ करें कि म्यूटेशन को कैसे यूज करते हैं ब्रीडिंग में, हम कैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट करें, तो वो हम यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि प्रोसीजर क्या होता है, इसका मेथड्स क्या होते हैं कि म्यूटेशन हमें अगर करना है और उसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है उसमें क्या होते हैं फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है, हम मटेरियल को चॉइस करें कि हमारा कौन सा मटेरियल है जो हम उसको चॉइस करें, जैसे सीड हो गया तो हम सीड को चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद चॉइस ऑफ म्यूटाजेंस, तो सीड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, जो म्यूटाजेनिक एजेंट है तो हम उसको चॉइस करेंगे, जैसे जो सीड अगर हमने लिया है तो उसमें हम म्यूटाजेनिक एजेंट यूज करेंगे, कौन सा केमिकली म्यूटाजेनिक एजेंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट, तो जो म्यूटाजेनिक एजेंट हमने लिया है उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए उससे ट्रीट कैसे करेंगे, और फिर हैंडलिंग ऑफ ट्रीटेड मटेरियल। उसके बाद शुरू होता है हमारा पूरा प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन म्यूटेशन ब्रीडिंग का। तो इसके बाद फिर पूरा हम आपको प्रोसीजर बताएंगे इसके बाद। तो ये हमारा आ गया म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए कि ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स क्या हैं और पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, जो गवर्न होते हैं किसी एक मेजर जीन द्वारा, तो उनको हम कहते हैं ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स। और दूसरा आता है कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स, द कैरेक्टर्स आर गवर्न बाई सम फ्यू जीन्स और पॉलीजीन्स, तो उनको हम क्या कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो हमारा पहला मेथड है म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं ऑलिगोजेनिक ट्रेट्स के लिए, किसी मेजर जीन के लिए। तो इन फर्स्ट ईयर M1, जो भी हमारे अदर जो ब्रीडिंग के मेथड्स हैं उसमें जैसे F1 होता है, F2 होता है, F3 जनरेशन होती है, जो भी ब्रीडिंग के सिलेक्शंस हैं, तो म्यूटेशन में हमारे यहाँ पे होता है क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है इसमें हम बोलते हैं उस पॉपुलेशन को M1, M2 या M3। तो ऐसे ये पॉपुलेशन जो अंदर पॉपुलेशन चलता रहता है, जैसे M1 पॉपुलेशन है उसमें ट्रीटेड सीड आर स्पेस प्लांटेड, जो भी हमने सीड्स जो है ट्रीटेड किए उनको हम स्पेस प्लांटेड करते हैं। उसके नेक्स्ट सीड्स फॉर्म इंडिविजुअल प्लांट्स आर हार्वेस्टेड सेपरेटली, तो जो भी सीड्स होते हैं उन जो इंडिविजुअल सीड्स हमने जो ग्रो किए हैं उनको हम सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं सेपरेटली और इनको ग्रो करते हैं नेक्स्ट ईयर, और किसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज, जो भी इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजनीज है उनके जो सीड हार्वेस्ट किए हैं हमने उनको हम ग्रो करते हैं नेक्स्ट ईयर। तो ये जो सिंबल होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक ये प्लांट हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इसके जो भी सीड्स होते हैं जैसे ये सीड्स हुए तो इनके सीड्स को हम क्या करेंगे अलग अलग हार्वेस्ट कर लेंगे, इनके सीड्स ये हैं और ये नेक्स्ट ईयर हम ग्रो करेंगे अलग अलग, जैसे ये सीड इस प्लांट के सीड इसमें ग्रो कर दिए, इसके इसमें ग्रो कर दिए, इसके ये इसमें ग्रो कर दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज आर ग्रो इन रोज एंड प्लांट फ्रॉम रोज कंटेनिंग आर सेपरेटेड टू कंटेन द म्यूटेंट एलील हार्वेस्टेड। और इसमें हम देखते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें म्यूटेशन दिख रहा है हमें, तो उनको ही हम क्या करेंगे म्यूटेंट एलील्स हार्वेस्टेड,
और उनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर और M3 पॉपुलेशंस, तो जो M3 पॉपुलेशंस होती है उसमें भी हमें वही दोहराना है M2 पॉपुलेशन का कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज आर रोज आर ग्रोन। तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज हमने यहाँ पे ग्रो कर दी कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज आर ग्रोन एंड सुपीरियर म्यूटेंट लाइन हार्वेस्टेड इन बल्क। और जो भी सुपीरियर लाइन्स होगी, मान लो ये लाइन हो गई एक, ये लाइन एक हो गई, जैसे एक ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई सुपीरियर, ये हो गई और ये हो गई, तो हमारे लिए यहाँ पे मान लो 5 लाइन्स मिली हैं सुपीरियर। तो जो सुपीरियर लाइन्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हार्वेस्ट कर लेंगे और इनका सीड क्या कर देंगे, अब की बार हमें सेपरेट नहीं करना है जबकि इकट्ठा ही सीड इनको करना है, बल्क माने इकट्ठा करो, उनको हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और बल्क सीड हमारा इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इन हेटरोजीनियस प्रोजनीज इंडिविजुअल प्लांट्स में भी सिलेक्टेड, और जो हेटरोजीनियस प्लांट्स प्रोजनीज होगी उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे प्रीलिमिनरली यील्ड ट्रायल, जो प्रीलिमिनरली यील्ड ट्रायल्स होते हैं वो उनको हम प्रीलिमिनरली यील्ड ट्रायल विद ए सुटेबल चेक। तो चेक वैरायटी आपको पता होनी चाहिए, जो भी पॉपुलर वैरायटीज होती है किसी भी क्रॉप्स की किसी भी एरिया में, तो हम उनको यूज करते हैं एज ए चेक वैरायटी, जो भी पॉपुलर वैरायटी होती है जिन्हें कॉमर्शियली ग्रो करते हैं हमारे फार्मर्स, तो उनको हम यूज करते हैं एज ए चेक वैरायटी। तो सुटेबल चेक हम लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सुपीरियर लाइन सिलेक्ट करते हैं हम कहाँ से, प्रीलिमिनरली यील्ड ट्रायल। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये क्या, किसके सिंबल होते हैं, ये PYT के, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PYT या प्रीलिमिनरली यील्ड ट्रायल विद सुटेबल चेक। और इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सुपीरियर लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल लगाते हैं एट सेवरल लोकेशंस। बहुत सी हमारे जो भी आप एग्रीकल्चर पढ़ी रहे हैं आपको पता ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जोन से हमारे बटे हुए, तो उनमें सभी में हम क्या करते हैं, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल लगाते हैं इसकी एडाप्टेबिलिटी चेक करने के लिए, डिजीज रेसिस्टेंट चेक करने के लिए, डिफरेंट जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको चेक करने के लिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइन रीड एज ए न्यू वैरायटी, जो भी लाइंस अच्छी होंगी उनको हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे एज ए न्यू वैरायटी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट M8 जनरेशन में, M5 टू M7 में हम टेस्ट करते रहते हैं रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स और आउटस्टैंडिंग लाइंस होती हैं उनको सिलेक्ट करते रहते हैं। और M7 जनरेशन में, M7 में क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे एज ए न्यू वैरायटी जो आउटस्टैंडिंग लाइंस होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था M8 जनरेशन, तो इसमें क्या करेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसके लिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है सीड तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो उसको मल्टीप्लिकेट करते हैं कब, M8 जनरेशन में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर को। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट्स, जब हमें म्यूटेशन ब्रीडिंग करनी होती है फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट्स के लिए, तब हम यूज करते हैं दूसरा मेथड। तो M1 पहली हमारी जनरेशन हो गई, कौन सी, M1, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं कि इसमें जो भी पॉपुलेशंस चलती हैं वो M1, M2, M3, N3, M4, M5, और जो हाइब्रिडाइजेशन में चलती है वो F1, F2, F3। तो इसमें क्या करेंगे, म्यूटेशन ट्रीटेड सीड्स स्पेस प्लांटेड, तो जो म्यूटेशन ट्रीटेड सीड्स होते हैं उनको हम स्पेस प्लांटेड कर देते हैं एंड सीड फॉर्म इंडिविजुअली प्लांट हार्वेस्टेड सेपरेटली। और जो भी सीड्स होते हैं जो हम प्राप्त करते हैं उनको कैसे करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं सेपरेटली करते हैं उनको। और उसके बाद इन सेकेंड ईयर M2 पॉपुलेशन में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज रोज आर ग्रोन एंड फर्टाइल विग्रस नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स हार्वेस्टेड सेपरेटली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्टाइल विग्रस मतलब फर्टाइल प्लांट्स और विग्रस हो और नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स हार्वेस्ट सेपरेटली, जो नॉर्मली लुकिंग प्लांट्स हो उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं सेपरेटली, मतलब उनको अलग अलग हार्वेस्ट करते हैं, जिससे कि क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर भी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी रोज ही ग्रो करनी है। तो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स आर ग्रोन, तो हम यहाँ पे M3 पॉपुलेशन और थर्ड ईयर में ग्रो करेंगे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज रोज और सुपीरियर प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर प्रोजनीज सोइंग सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि एक वेरिएशन होता है, मतलब जैसे
एब्बन होता है, तो उसमें क्या होता है जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होंगे, एकदम सेम फिनोटाइप होगी उनकी, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। और सेग्रीगेशन कब आता है, जैसे F2 पॉपुलेशन होती है, आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे F2 पॉपुलेशन होगी तो उनमें हाइट क्या होगी, किसी प्लांट्स की कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, F2 पॉपुलेशन में जो वेरिएशन आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। सुपीरियर प्लांट सिलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर प्रोजनी शोइंग सेग्रीगेशन, तो जो भी सेग्रीगेशन होता है उसमें से हम सुपीरियर प्लांट सिलेक्टेड करते हैं और उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कैसे, सेपरेटली हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर M4 जनरेशन में भी क्या करना है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज ग्रो करनी है। द इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स आर ग्रोन एज सुपीरियर होमोजीनियस लाइन्स हार्वेस्टेड इन बल्क, जो भी होमोजीनियस लाइन होगी मतलब सेम होगी, जो फिनोटिप जिनकी फिनोटाइप सेम होगी उनको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे और नेक्स्ट M5 जनरेशन में और फिफ्थ ईयर में हम क्या करेंगे, प्रीमिनरली ईल्ड ट्रायल विद ए सुटेबल चेक, प्रीमिनरली PYT ट्रायल लगाएंगे हम और उसके साथ सुटेबल चेक यूज करेंगे उसको कंपेयर करने के लिए। PYT में हम कंपेयर करते हैं किससे, चेक वेराइटी से, और सुपीरियर लाइन आर सिलेक्टेड, जो भी लाइन्स होंगी हमारी जो चेक वैरायटी उससे सुपीरियर होंगी, उनकी ईल्ड में ज़्यादा होगी और हार्वेस्ट मतलब मैच्योरिटी उनकी कम दिन में होगी और ईल्ड ज़्यादा होगी, तो वो सुपीरियर लाइन्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे और उनका नेक्स्ट M6 में क्या करेंगे, M6 से M8 तक रेप्लिकेटेड ईल्ड ट्रायल्स एट सेवरल लोकेशंस में लगाएंगे और आउटस्टैंडिंग लाइन्स रिलीज एज ए न्यू वैरायटी। तो M6 से M8 जनरेशन तक हम क्या करेंगे, रेप्लिकेटेड ईल ट्रायल लगाएंगे सेवरल लोकेशंस में और उनको आउटस्टैंडिंग लाइन रिलीज कर लेंगे एज ए न्यू वैरायटी। और M9 जनरेशन में क्या करेंगे, सीड इंक्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सीड को इंक्रीज करेंगे किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फॉर द फार्मर्स। फिर आता है एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि म्यूटेशन हमने अभी तक पढ़ा और उसका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसका क्या रोल है, तो वो हम देखेंगे कि म्यूटेशन द्वारा हमने क्या क्या इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किया। तो ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, इससे हम क्या करते हैं, जो वेराइटीज़ इम्प्रूव वेराइटी उनको हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेवरल इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द इंड्यूस म्यूटेशंस, पूरे वर्ल्ड में जो भी इम्प्रूव्ड वेराइटी डेवलप की गई हैं वो हम म्यूटेशन द्वारा डेवलप की गई, डेवलप्ड थ्रू द इंड्यूस म्यूटेशन, वो किसके द्वारा डेवलप की गई, इंड्यूस म्यूटेशन द्वारा डेवलप की गई हैं इम्प्रूव्ड वेराइटी, एंड सब हैव बीन रिलीज्ड एज म्यूटेंट वेराइटी एंड अदर हैव बीन यूज्ड इन क्रॉस फॉर डेवलपमेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज। नेक्स्ट आता है इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेल स्टेरिलिटी को भी इंड्यूस करा सकते हैं म्यूटेशन द्वारा, इंड्यूस म्यूटेशन हैव बीन यूजफुल इन इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, तो ये इंड्यूस म्यूटेशंस होते हैं वो यूजफुल होते हैं किसके लिए, हम इनसे मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस कर सकते हैं। जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो हमारी कहाँ यूज होती है, अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें, जैसे मेल स्टेरिलिटी होती है वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में बहुत ही यूज़ की जाती है, जैसे GMS लाइंस होगी, CMS लाइंस होगी, क्या है मेल स्टेरिल लाइंस हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने में, जैसे A लाइन, B लाइन और R लाइन जो यूज़ करते हैं, तो ये अलग बात होगी। तो अपने टॉपिक पे ही आते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन हैव बीन यूज इन इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सम क्रॉप प्लांट्स। एंड फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, इसके द्वारा हम हैप्लॉइड्स जो भी होते हैं उनका भी प्रोडक्शन कर सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट्स का, यूज ऑफ एक्सरे इरेडिएशन पॉलन आर हैज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, जो भी हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उनमें हैप्लॉइड को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं पॉलन्स का या एंथर्स का, एंथर्स के अंदर पॉलन्स होते हैं, तो हम जनरली पॉलन का यूज करते हैं हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करने के लिए।
फिर क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, म्यूटेशन का सबसे बड़ा रोल होता है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर हम कोई भी क्रॉप्स है हम उसमें सिलेक्शन करना चाह रहे हैं और हमारे पास वेरिएबिलिटी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। जहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है वहीं पे सिलेक्शन होता है। तो वेरिएबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं म्यूटेशन, और जब वेरिएबिलिटी होगी तभी हम सिलेक्शन कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा रोल होता है म्यूटेशन का क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब म्यूटेशन के द्वारा हम वेरिएबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरकमिंग सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। म्यूटेशन इज म्यूटेशन ऑफ एस जीन वाई इरेडिएशन लीड्स टू रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ फर्टिलिटी इन सेल्फ इनकम्पेटेबल स्पेसीज। दिस हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रूनस ओबियम एंड सम अदर स्पेसीज। एंड नेक्स्ट आता हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ एडाप्टेशन। जो भी क्रॉप्स होती हैं उनकी क्या होती है एडाप्टेबिलिटी देखी जाती है कि वो किसी भी नए हमने कोई भी क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस किया है और वो हम देखते हैं उसको चेक करते हैं कि वो नए इन्वायरमेंट में क्या ग्रो हो रही है नहीं हो रही है। तो उससे हमारी जो भी एडाप्टेबिलिटी होती है उससे ये हम उसको पता कर सकते हैं। तो और उससे जो म्यूटेशन होता है उसके द्वारा हम एडाप्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। एडाप्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसके द्वारा म्यूटेशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल इंड्यूस म्यूटेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एडाप्टेशन ऑफ हिबिस्कस सबिस्फेरिया। तो जो एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे हिबिस्कस का, इसके द्वारा क्या किया गया म्यूटेशन द्वारा उसकी एडाप्टेबिलिटी को और इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि हम कहाँ तक उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कहाँ तक उसमें वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी म्यूटेशन ब्रीडिंग जब हम करते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो इसमें लिमिटेशंस है जैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल म्यूटेशंस इज वेरी लो। तो जब हम म्यूटेशन कराते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो डिजायरेबल म्यूटेशंस की होती है वो बहुत ही लो होती हैं। कभी कभी होता है कि हम म्यूटेशन ने कराया और उसके बाद क्या होता है अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी उसके साथ चले जाते हैं। तो जो डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो होती है। और इफ़िशियंट क्विक एंड एक्सपेंसिव सिलेक्शन टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू स्क्रीन लार्ज पॉपुलेशन। और जब भी हम म्यूटेशंस कोई कराते हैं तो उसके लिए हमें इफ़िशियंट क्विक मतलब तेज और इनएक्सपेंसिव सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट डिजायरेबल म्यूटेशंस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स। जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया था वो एसोसिएटेड मतलब उसके साथ संबंधित होते हैं विद अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स। कोई भी हम डिजायरेबल म्यूटेशंस जब कराते हैं तो वो कॉमनली क्या होते हैं एसोसिएटेड होते हैं किससे अनडिजायरेबल इफ़ेक्ट्स से। एंड म्यूटेशन प्रोड्यूस प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स। और म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस कराता है क्या प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस कराता है। और उसके बाद म्यूटेशन इन क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स आर यूजली इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सिलेक्शन हिस्ट्री ऑफ द पेरेंट वैरायटी। एंड नेक्स्ट देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए म्यूटेंट वैरायटी। और कोई भी हमने म्यूटेंट वैरायटी हमारी है तो वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है किसमें, क्योंकि कोई भी वैरायटी जो होती है हमने कोई भी प्लांट ब्रीडर्स होता है वो वैरायटी डेवलप करता है उसके बाद उसे रजिस्टर्ड कराते हैं। तो उसको जो भी म्यूटेंट वैरायटीज होती है हमारी उनको प्रॉब्लम्स आती है किसमें रजिस्ट्रेशन कराने में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा कि हाँ ये वैरायटी आपकी डेवलप हुई है और इस नाम से हुई है। तो उसको जो म्यूटेंट वैरायटीज होती हैं उनमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है किसमें रजिस्ट्रेशन कराने में। नेक्स्ट हमारा मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट्स आर रिसेसिव। तो जो भी म्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं रिसेसिव होते हैं मतलब अप्रभावी होते हैं। और ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसके म्यूटेशंस के द्वारा जो भी वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं डिफरेंट क्रॉप्स में। ए लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ म्यूटेंट वैरायटी डेवलप्ड इन वेरियस ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। ये 2000 तक जो डेवलप की गई वैरायटीज़ उनकी ये लिस्ट है। जैसे सीरियल्स में आ जाओ जो टोटल नंबर ऑफ म्यूटेंट वैरायटी है 71 है। तो क्रॉप ऑफ द नंबर ऑफ म्यूटेंट वैराइटीज़ जैसे राइस में 41, वीट में 4, बार्ले 14, सोरगम 3, बाजरा 5 एंड रागी 4। ऐसी ग्रेन लेग्यूम्स हैं ऑयल सीड वेजिटेबल ऑयल सीड जैसे ग्रेन और लेग्यूम्स में 44 हैं ऑयल सीड में 33 हैं। तो ऐसे ये
सभी जो भी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल, कैश क्रॉप, फाइबर्स, फ्रूट्स, मेडिसिन प्लांट्स एंड स्पेसीज एंड अदर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो इसमें ये वैरायटी डेवलप की गई हैं। ये लिस्ट ऑफ वैरायटी डेवलप इन इंडिया थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये लिस्ट है। जैसे अरर है, इसमें टी वी वन न्यूटेंट वैरायटी है, टी वी वन, और इसके इसके जो पेरेंट वैरायटी थी वो कौन सी थी, T21, और म्यूटेजन्स यूज़ किया गया इसको डेवलप करने में। जो T1 वैरायटी थी उसका पेरेंटल वैरायटी थी T21, और इसको म्यूटेजन जो एजेंट था जिससे इसे इंड्यूस कराया गया इसके पेरेंट को, जो T1 था, इसको किससे ट्रीट किया गया, एक्सरेज द्वारा, और उसके द्वारा जो ट्रीट करने के बाद ये वैरायटी डेवलप कौन सी हुई, TV1 वैरायटी डेवलप हुई है। वो किसके द्वारा, उसमें कौन सा म्यूटेजेनिक एजेंट यूज़ किया गया, गामा रेज, तो यहाँ पे फिजिकल म्यूटेजेनिक एजेंट यूज़ किया गया। और उसके बाद जैसे बार्ले हो गया, बीन्स हो गया, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये, और काउपी हो गया, क्यूमिन हो गया, ईस्ट इंडिया जिंजर हो गया, तो ये ग्राउंड नट की है लिस्ट। ये राइस, जो राइस है तो इसमें ये CNM वैरायटी 210, तो इसमें यूज़ किया गया, जैसे एक्सरेज यूज़ किया गया है। हरी वैरायटी होगी इसकी राइस की, तो इसमें जो इसमें म्यूटाजेनिक एजेंट जो यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे नाम नहीं है पूरा इसका, मिसिंग है। और जैसे रश्मि हो गया, पद्मिनी हो गया, मोहन हो गया, तो इनमें गामा रेज वैरायटी, गामा रेज यूज़ किए गए हैं। ऐसे ये PL56 है, तो इसमें ये इथाइल मिथाइल सल्फोनेट यूज़ किया गया। ऐसे सोरगम है, तो ये बहुत सभी क्रॉप्स के उदाहरण हैं ये। करंट अचीवमेंट्स, ये करंट अचीवमेंट्स है, ये कब के हैं, जैसे 2006 के, कार्तिका एंड शुभलक्ष्मी इन 2000 आइडेंटिफाई 3 माइक्रो म्यूटेशंस पजेसिंग 4 सीड्स पर पॉट एंड हाई यील्ड एंड वर्ल्ड सीड इन 2 वैरायटीज ऑफ सोयाबीन्स। तो ये कार्तिका और शुभलक्ष्मी जो वैरायटी है, ये डेवलप की गई 2000 में, आइडेंटिफाई की गई है। और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, जैसे 4 सीड्स पर पॉट, इसकी जो सोयाबीन की पॉट्स होती हैं उसमें क्या है, जो कार्तिका और शुभलक्ष्मी वैरायटी है उसमें एक पॉट में 4 सीड होंगे, और हाई यील्ड, इसकी यील्ड क्या होगी, मतलब उपज इसकी बहुत ज़्यादा होगी, और बोल्ड सीड इन 2 वैरायटीज ऑफ सोयाबीन, जो 2 वैरायटी, और इनकी सीड कैसा होगा, उनका जो सीड है वो कैसा है, बोल्ड है। तो ये कंक्लूजन है, मेजर आ कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूटाजेनेसिस टू प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्रेस विच कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड इज इट्स यूज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक्स। तो जो म्यूटेशंस होता है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, जो भी प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा मेन उद्देश्य है किसको इम्प्रूव करना, प्लांट्स को इम्प्रूव करना। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम इनको प्लांट्स जो भी है हमारे, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, म्यूटेशंस को। तो द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विल रिले हैवी अपॉन म्यूटाजेनेसिस ऑन जीन पूल टॉप लोकलाइज यूजफुल जीन्स एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट मॉडर्न म्यूटेशंस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इन कॉम्बिनेशन विद रिफाइंड सिलेक्शन मेथड्स एप्लीकेशन टू लार्ज पॉपुलेशंस विल कंटिन्यू। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो म्यूटेशन है हम आगे भी इसको यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नई नई क्रॉप्स हैं, और उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी करेक्टर को डेवलप कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल आगे लेक्चर में बात करेंगे पॉलीप्लाइट्स के बारे में। थैंक यू।